हाय गाइस व्हाट्सअप। तो आज की इस वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं स्टाइलस कीपैड के बारे में, जो काफ़ी लोगों का मुझे कमेंट आया कि मैंने कुछ दिन पहले एक पोल अपलोड किया था, उसमें मुझे 74% लोगों का कमेंट ये आया कि भाई किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्टाइलस में चार्ट या फिर इमोजिस कैसे करें, जो काफ़ी लोगों का मुझे कॉमेंट था। यहाँ पर आप देख सकते हो 75% लोगों ने मुझे कॉमेंट किया था। ओके, तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि आप स्टाइलस कमेंट जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप पे आप स्टाइलस कीपैड कलर्स में कैसे कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको A to Z टिप्स एंड ट्रिक्स इसके रिकॉर्डिंग्स बताने वाला हूँ। अगर हमारे चैनल पे यार पहली बार विजिट हो गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करो, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप व्हाट्सअप तो यूज़ करते हो, लेकिन यार उसमें क्या होता है कि आप बोरिंग सा कीपैड यूज़ करते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास कुछ अच्छा कीपैड नहीं है, जैसे कि मैं कुछ टाइपिंग करूँ तो यहाँ पे मुझे सिंपली नॉर्मल सा कीपैड देखने के लिए मिल जाता है। ओके, अगर यही आप इमोजी की बात करो तो यहाँ पर इमोजी भी आपको कुछ अच्छा यानी कि इफेक्ट लुक वाली नहीं मिलती। ओके, तो गाइस बस मैं इस वीडियो पर कुछ ऐसा ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके अगर आप फॉलो करोगे तो आपका कीपैड का लुक काफ़ी अट्रैक्टिव यानी कि चेंज हो जाएगा। ओके, तो गाइस सबसे पहले आपको हमको प्ले स्टोर पर जाना होगा, एक ऐप डाउनलोड करना होगा, या फिर मैंने दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले यहां पे मैं प्ले स्टोर पर जाके उस ऐप को डाउनलोड करूँगा। ओके, तो जब यहां पर मैं डाल देता हूं बबल कीपैड। ओके, तो गाइस मैंने जैसे यहाँ पे सर्च किया तो फर्स्ट नंबर पे आ गया है, यहाँ पर देख सकते हो बबल कीपैड। ओके, तो सिंपली इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, आप पे इंस्टॉल कर लेना अगर आपको अच्छा लगा तो। ओके, तो गाइस मेरा इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम वेट करते हैं। ओके, फाइनली गाइस हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है बबल कीपैड, जो आपको इस वीडियो पे मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करके बताने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले इस ऐप को हम ओपन कर लेंगे। ओके, ओपन करने के बाद आपके सामने लाइक कुछ इस तरह का एक पेज न्यू सा खुल जाएगा जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट में आएगा एक्सेप्टेड। ओके, तो आपको इसके ऊपर टिक लगा देना है, उसके बाद यहाँ पे अलाउ परमिशन आपको ज़रूर देना है। ओके, यहाँ पर आप मीडियम इंडिया का कुछ लोगो यहाँ पर दिख जाता है, अगर आपकी लैंग्वेज के हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी, मराठी, गुजराती, जो चाहे आप लैंग्वेज सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इंग्लिश इंडिया कर देता हूँ। ओके, करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेड इन इंडिया। ओके, यहाँ पर आपको इंडिया का शानदार ऐप मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इससे बबल कीपैड को यहाँ पे अलाउ परमिशन ऐड करना होगा। ओके, अगर आप इसे एनेबल नहीं करोगे तो आपका ये कीपैड काम नहीं करने वाला है। ओके, तो गाइस यहाँ पे बबल कीपैड को यहाँ पे अलाउ कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कुछ तीन अपडेट आ जाएंगे, सबसे नीचे आपको बबल कीपैड मिल जाएगा। ओके, आपको सिंपली इसके ऊपर आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत से लैंग्वेज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज अपना चूज़ कर लेते हो। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे रहने देता हूँ इंग्लिश इंडिया। ओके, उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर आप दूसरी लैंग्वेज ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके आप दूसरी लैंग्वेज भी यहाँ पे ऐड एक्सेप्टेड कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इंग्लिश इंडिया टिक लगाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको करनी होगी, कुछ सेटिंग यहाँ पर आपको करनी होगी। जैसे कि अगर आप किसी भी की कुछ चॉटिंग करते हो, अगर उस टाइपिंग की आपको वॉइस सुनाई दे तो यहाँ पे साउंड इसको आपको एनेबल कर देना है। ओके, अगर आप चाहते हो ऑटो को यहाँ पे लाइटिंग, डार्क मोड जो डालना चाहते हो, थीम्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ओके, जैसे मैं यहाँ पे लाइटिंग के ऊपर क्लिक करके एनेबल कर देता हूँ। ओके, अगर आप चाहो तो यहाँ पे बहुत तीज यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि कीपैड, मीडियम, आल, विपक्स, जो भी हो आप कर सकते हो बहुत सारे तीज यहाँ पे चेंजेस। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे बस मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैं व्हाट्सअप खोल लेता हूँ। व्हाट्सअप खोलने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लुक कैसे दिखाई देगा। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कीपैड के ऊपर टाइप करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा एक टाइपिंग सा न्यू बोर्ड आ चुका है। ओके, जैसे कि मैं इसको हेलो लिखूंगा। ओके, तो हेलो लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कैलकुलेटिंग्स या फिर स्टाइलिश फंड या फिर आपको कलर लाइटिंग भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं कलर लाइटिंग में यहाँ पे सेंड करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप स्टाइलिश पे मैसेज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा लाइक। ओके,
यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आपको लैंग्वेजेस या फिर फंड्स मिल जाएंगे जो कि आप कैलकुलेटिंग पे कर सकते हो। ओके, तो गाइस यहाँ पे हम चलो इस वाले आइकन पे ऊपर टिक लगा के यहाँ पे सेंड कर देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फंड है यहाँ पे चला गया। ओके, अगर हम इमोजी या फिर इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पे प्लस वाला आइकन के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे बहुत सारे इमोजीज खुल जाएंगे जो कि आप किसी इमोजी के ऊपर टाइप करते हैं 2 सेकंड के लिए, लाइक कुछ इमोजी इस तरह का चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वेरी अमेजिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि इमोजी, आप किसी को भी इमोजी कर सकते हो, कोई भी इमोजी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ हंसने वाली करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे इमोजी बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे जाएगा। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाली इमोजी करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का आप इमोजी सेंड कर सकते हो। अगर चाहते हो तो गाइस अपन यहाँ पे इफेक्ट या फिर PNG यहाँ पे वो भी आप सेंड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आपको फंड्स मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर देख सकते हो थीम्स वगैरह स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप किसी को स्टिकर्स भेजना चाहते हो तो यहाँ पर भेज सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो आप स्टिकर्स भी यहाँ पर आप भेज सकते हो। यहाँ पे GIFs के भी आप बहुत सारे यहाँ पे मतलब एल्गोरिथम्स चेंज करके आप बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ वगैरह वगैरह थीम यहाँ पर देख सकते हो, आपको बहुत सारे थीम्स मिल जाएंगे। जो भी आप इसके भी ऊपर आप क्लिक करोगे तो सिंपल आपको उसको 2 प्रेस करके रखना है, 2 सेकंड के लिए प्रेस। ओके, तो गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह का चला जाएगा। ओके, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही आप स्टाइलिश में कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। ओके, लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेटिंग या फिर फंड्स मिल जाएंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हो किसी भी चार्ट में, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप। ओके, आपकी मर्जी, आप जिस चार्ट पे चार्ट्स करना चाहते हो सिंपली उस पे जाना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे करूँगा। ओके, जैसे मैं इंस्टाग्राम ओपन कर लिया उसके बाद मैं इस वीडियो को मैं कॉमेंट करूँगा। ओके, तो गाइस यहाँ पर मेरी वीडियो खुल नहीं रही है, वेट और नहीं है। ओके, तो गाइस यहाँ पे मेरे वीडियो खुल चुके हैं, तो मैं इस वीडियो को मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ मैं छोटा सा टाइप करूँगा जो कि मैं हाई करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने बहुत सारे फंड्स ओपन हो जाएंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे चॉइस करोगे। सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कोई तो एक दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं हाई करूँगा। ओके, करने के बाद यहाँ पर ओके वेट, तो गाइस यहाँ पे मैं करने के बाद मैं इस वाले आइकन को चूज़ करके यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो फंड है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, बाकी कमेंट से अलग रखता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं फेसबुक की बात करूँ तो गाइस आप फेसबुक पे भी कर सकते हो। फेसबुक को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे किसी के ऊपर मैं यहाँ पे कॉमेंट करूँगा। ओके, जैसे कि मैं इसके ऊपर कॉमेंट करूँगा, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ओके, कमेंट बॉक्स में मैं आ चुका हूँ। जैसे कि मुझे कुछ टाइपिंग करना है, जैसे कि मुझे लिखना है हाय। ओके, तो हाय लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे फंड्स आपको मिल जाएंगे। आप जिसके ऊपर टिक लगाओगे सिंपली वो सेंड हो जाएगा। जैसे कि मैं इसके ऊपर टिक लगाया या फिर मैं अदर लगाता हूँ। ओके, इसके ऊपर लगाता हूँ, उसके यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जा चुका है। यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो कमेंट है सबसे अट्रैक्टिव यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, आप जो भी जिस प्लेटफॉर्म पे जाओ उस प्लेटफॉर्म पे आप फंड्स चेंज करके यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हो। अगर आप बात करें इमोजी तो यहाँ पर इमोजी भी यहाँ पे कुछ लाइक इस तरह का सेंड कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करो। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करना। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।